ओके प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग के साथियों, आप सबको सूचित किया जाता है कि कल हमारा जो है शिक्षक आक्रोश रैली होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग के साथी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और हमारा जो है आंदोलन है, जितने भी अभी अधिकारी और बिलों में जिसका भी ड्यूटी लगाया गया है, उन सभी साथियों से मेरा अपील है तो सभी साथी जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि हमने राज्य चुनाव आयोग को आंदोलन होने के पहले उसकी सूचना दे दिया था, अभी तक उनके द्वारा व्यवस्था नहीं किया गया है। कलेक्टर महोदय की भी इसकी सूचना दिया जा चुका है, उसके बाद भी अभी तक शासन प्रशासन ने हमारे आंदोलन को रोकने के लिए उसकी कोई व्यवस्था नहीं किया है। अगर किसी भी कर्मचारी के ऊपर अभी अधिकारी और जो बिलो बने उसके लिए संगठन उनका साथ देगा। सभी अभ्युत अधिकारी और बिलो जितने भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है वो सभी लोग कल से जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल होंगे। अगर किसी प्रकार की कुछ कार्रवाई होती है तो संगठन उनका साथ खड़ा रहेगा। और हमारा जो है आंदोलन है, चूँकि जो है बहुत महिलाओं के द्वारा हमारे लिखित में और फोन के माध्यम से सूचित किया जा रहा है, जिससे कि हमारे महिला शिक्षक साथियों को सूता के मैदान में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, अन्य कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा हमारे पास फोन के माध्यम से और लिखित माध्यम से महिला शिक्षकों के द्वारा आवेदन लगातार प्राप्त हो रहा है, जिसको देखते हुए हमारा जो आंदोलन होगा कल जो है कूड़ा तालाब मैदान में होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने बार बार उनसे निवेदन किया है कि तूता के मैदान पे सारी व्यवस्थाएं सुलभ नहीं है। उसके बाद भी तूता के मैदान में शासन प्रशासन ने आंदोलन करने के लिए हमको बाध्य किया है, लेकिन हमारा यह जो आंदोलन होगा बूढ़ा तालाब में जो है समस्त प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक साथी तो जो है बूढ़ा तालाब मैदान पे कल पहुँचेंगे। धन्यवाद। मैं मनीष मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन समक्ष शिक्षक फेडरेशन।